यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासतौर वैसे यात्री जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन का टिकट बुक करना और भी आसान कर दिया गया है। यह सुविधा भारतीय रेलवे के द्वारा उन व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। दरअसल रेलवे के द्वारा अब राज्य भर के करीब 5,000 विभिन्न डाकघरों में टिकट बुक कराने की व्यवस्था चालू कर दी गई है। इस सुविधा के शुरू हो जाने से रेल यात्रियों को रेल की टिकट लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अपने किसी नजदीकी पोस्ट ऑफिस से ट्रेन टिकट ले सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। इस सुविधा के शुरू होने से उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा जो ग्रामीण इलाकों में रहते थे, क्योंकि उन्हें ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए काफी दूर दूर तक जाना पड़ता था। लेकिन अब वे लोग सभी अपने पास के नजदीकी पोस्ट ऑफिस से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार डाक सर्किल के द्वारा मार्च 2023 तक पटना समेत राज्य भर में 5,000 डाकघरों या कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सुविधा के शुरू हो जाने के बाद शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के लोग भी बड़ी ही आसानी से टिकट बुक करा सकेंगे। इसके लिए अब उन्हें रेलवे स्टेशन तक जाने की भी जरूरत नहीं होगी। ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जिनका इलाका रेल स्टेशन से काफी दूर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे के द्वारा डाकघरों में रेल आरक्षण कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे लोगों को अब रेल रिजर्वेशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों को सुविधा देने के लिए ई टिकट बुकिंग की शुरुआत की गई थी। इस सुविधा के शुरू होने के बाद से यात्रियों को वेटिंग और लंबी लाइन की कतारों से छुट्टी मिल गई थी। सुविधा के माध्यम से रेल यात्री अब यात्रा टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और मंथली पास के नवीकरण के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन पर पेटीएम, फोन पे, फ्री चार्ज जैसे यूपीआई बेस्ड मोबाइल ऐप से क्यूआर कोड स्कैन कर डिजिटल पेमेंट आसानी से कर सकेंगे। बता दें कि भारतीय रेलवे आमतौर पर समय समय से अपने यात्रियों के लिए नई नई सुविधा सामने लाते रहती है और इन सुविधाओं को फायदा भी उनके सभी यात्रियों को मिलता रहता है। वहीं अब इस सुविधा के आने से कई यात्रियों को अब रेल टिकट लेने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।